भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज जायका बुंदेलखंड। आहा बुंदेलखंड को जायका भैया। दाल बाटी चूरमा हम भारत के सूरमा, ऐसा अपने कहते कान लगा तो आदमी राजस्थान में, लेकिन अब बुंदेलखंड में आदमी कान लगो दाल बाटी चूरमा हम बुंदेलखंड के सूरमा। सो भैया ई बार हम कड़ी में लेके आए कि बुंदेलखंड की खास डिश जो है उन्होंने के लेके दिखाया आदमी ने। आदमी लपटा खात तो घर महीरी खात तो डुबरी खात तो ठड़ूला खात तो जाने काका खात तो और वे रसीले भेड़ा खात तो आदमी। लेकिन अब भैया बुंदेलखंड में दाल बाटी हो तो गकरिया बोले कर लो ना माए जाके खा लो बाटी आटी बना के। सो गकरिया तो आदमी करत तो, लेकिन जब खावे पीवे की फेर आउती सो आदमी वो हो जाते तो का हो जाते तो पता ही चलत तो बोले अब कच्ची अच्छी बाटी जैसी है तो सेक के खा लो। लेकिन जौन दिन से छतरपुर में दाल बाटी की दुकान शुरू भैया जैन छोले भटूरे जैन स्वीट्स रतन पैलेस वाले हैं जी बिक्की भैया जैन साहब जी भाई जैन साहब के लड़का हैं जिनने वे छोले भटूरे जैन छोले भटूरे शुरू करे थे। सोने पन्ना नाके पे अपनी जैन छोले भटूरे और दाल बाटी के नाम से स्वीट्स के नाम पर दुकान शुरू करी थी। वही दुकान में छोले भटूरे शुरू हो गए दाल बाटी तक कब पहुँच गए पता नहीं चलो। ऐसी स्वादिष्ट दाल बाटी हर इतवार की इतवार जो मिलत है खा के आदमी को मन खुश हो जाता। सही में हमने सोचो कि बुंदेली चुगली की जायका यात्रा कहाँ जाए। सो पेट में लगी थी भूख हम संजू भूखे दिन भर के। सो कही के कहाँ चले बोल चलो जैन साहब ने दिखा रहा सजे धोए देखें कहा है थे। जब पहुँचे सो देखे हर शुद्ध घी में अमूल के बढ़िया बाटी से कतरा ऊके पहले ओवन में कंडा में सिकी बाटी हो जब आके थाली परस के आई टाटी तो मन खुश हो गया। देखे ले इतना भैया इधर से बात कर रहे ग्राहकन से कोका के कैसा स्वाद इतना देख लो। तो भैया आप हम पूछ रहे हैं ग्राहकन से कि कैसी लगी दाल बाटी स्पेशल जैन साहब के की। भाई साहब का नाम है आपको? अरुण श्रीवास्तव। अरुण भैया आप दाल बाटी खावे हर इतवार के दिखा जा चाह जब कैसी लगा दाल बाटी थे अच्छी लगा जब तो आउट है। अच्छा और अब हमने तो खा ही ली। अब जो है कि इनसे कहिए बांधो या तो घर ले जाए। अब इंतजार कर रहे हैं कि बांध के दे दें तो घर ले जाए। चलो बहुत अच्छी बात है जय। एक तो खाद नहीं हो बांध के ले तो आर को बिल्कुल तय है घर रोटी नहीं बनने जो एक तय है। चलो आग अंदर भीतर ग्राहक जो बैठे उनसे ही बात कर ले रहे हैं। भैया हम बता रहे बार बार कि त्योहार है त्योहार की स्पेशल दाल बाटी है जैन साहब की और दाल बाटी खावे के लाने आदमी बिल्कुल स्पेशल रूप से अब आ रहा हो जैन साहब के तय। तो जो भाई हरे हैं बिन्नू हरे बैठी हैं खानी आप दाल बाटी खावे आई कैसे लगा आपके दाल बाटी? बढ़िया। तो पहली बार खा गए हैं आपके? हाँ आज पहली बार ट्राई। कैसी लगा स्वाद अच्छा लगा? हाँ बढ़िया स्वाद। ये पहली बार आई बिन्नू खावे लेकिन बहुत नौनी लगी दाल बाटी और इनको क्या वो है कि अब तो वे हर इतवार के इतने खावे खिलाने आए हो पैक करा के भी घर ले जा रहे भैया भी बैठे हैं दाल बाटी खावे आप पहली बार है भैया? मैं तो हर संडे आता हूँ मेरा तो फिक्स है। अच्छा हर संडे के आपका खाना? हाँ भैया के यहाँ तो फिक्स है आना भैया। कैसा लगता स्वाद? बहुत ही टेस्टी है। अल्लाह हर संडे का फिक्स है भैया का। आपको नाम थोड़ा जानू जा रहा है? संदीप तिवारी। अच्छा संदीप भैया को फिक्स है बिल्कुल कि हर इतवार के ने आने ही आने हैं। ये भैया भी खा रहा है पहली बार आया हो कि और पहले भी आते रहे? पहली बार। कैसी लग रही दाल बाटी? सही है अच्छी लग रहा है। चाहे बहुत अच्छी बात है कि पहली बार आए जिन्हें अच्छी लगी अब इनको कह वो कि हमें बार बार आके खाना है। तो भैया हम भी पैक करा कर ले जा रहे हैं घर के लाने और आंटी का चुके वो चाह रहे इनसे पूछ लें क्योंकि पापा के साथ आए थे अभी दोबारा इनके साथ आए हैं। नहीं बढ़िया टेस्ट रहता है बढ़िया बनता है। बहुत अच्छी बात है आंटी देखो दोबारा आई हैं घर एक बार पहले आए थे और जोड़ा से आए थे अब बिटिया के लेवा के आए अच्छी बात है। जा तो भैया जा है जैन साहब की दुकान पूरी सजी धजी जो है भैया ग्राहक ही भी कह रहे हैं कि भैया हम तो हर इतवार खावे यार कछु जन की घर वाली ने भैया खाना बनाओ बंद कर दो इतवार के बोले हो रही परो आज तो जैन साहब की दाल बाटी खबने और हो तो भैया आदमी जोड़ा से जात और जो जोड़ा से जात फट्टा से जात मतलब अकेले अकेले जात सो बे का करत बे तो पैक करा कर ले जा संगे आ घर नहीं तो केल केल में देखे ससुरू तुम गुचा गया हम भूखे बैठे। सो अब आदमी दाल बाल बच्चन के लाने भी दाल बाटी ले जाते हैं। हम तो जब गए तो आर के गए सो देख के रह गए भैया कि जितनी होते दुकान है प्लेट सज रही उससे ज़्यादा पैक हो रही आदमी अपने घर ले ले जा रहा। तो जाए एक बड़ी चीज़ है भैया समझ में आई हमें क्या बुंदेली व्यंजन को अगर सही सही जाए कहें। अब हमने जैन साहब से कही कि भैया तुम रोज का नहीं खवाऊ थे
तो बोले हफ्ता में बोले रोज खवास आदमी आ गया, तो जो हफ्ता में जो जायका आदमी हो इंतजार कर रहे थे उनको मजी कछुआ लगे। सो का कह रहे विक्की भैया इनसे बात नहीं, तो भैया हम अपन विक्की भैया से बात कर ले रहे हैं कहाँ से, छतरपुर में दाल बाटी की शुरुआत इस स्तर पे कर, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। एक नई पीढ़ी में अगर निकल के कोई ऐसा काम कर रहे थे तो अपने आप में एक अच्छी बात है छतरपुर के लाने की। छतरपुर से छोले भटूरे से हट के स्वाद आदमी अब दाल बाटी तक पहुँच गए। बहुत कम जन के पता ही है कि इनके पिताजी ने छोले भटूरे छतरपुर में फेमस करे जैन छोले भटूरे के नाम से, आज भी चल रहे है भाई। और उनके संगे संगे अब दाल बाटी आ गई, दाल बाटी जो विक्की भैया लेके आए, तो विक्की भैया कैसे का शुरुआत भाई थी थोड़ी बताइयो। भाई साहब जब शुरुआत ऐसे भाई कि अपन ने पहले एक दिन ऐसे ही बैठे थे दोस्तन के संगे से मूड बनो के दाल बाटी खाएं, दाल बाटी अपन है बहुत पसंद। अपन जब कहूँ बाहर कहूँ गए अगर होते दाल बाटी मिल गई तो अपन ने अगर चार दिन होते रुके तो दाल ही दाल बाटी खाई चारों दिन। अब एक दिन ऐसे ही दोस्तन ने कही भैया तुम्हें बहुत पसंद है तो तुम बनवाओ हमाला ने खबवाओ, सो बैठे थे सो ऐसे ही बन गई। अब हमारे बगल में सोनी जी हैं वे बैठे थे, सब जनन की दाल बाटी खब रही थी, सो दो चार अपने अब दुकान में बैठ के खा रहे तो ग्राहक तो आते ही हैं भैया जो का खा रहे ना वो आइटम ने कि भैया दाल बाटी, अब बोले भैया हमें खवाओ। तो हमने कि भैया अब बनो तो नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन अब ग्राहक ना मना करो अभी अच्छो ना लगे तो खवाई तो पसंद आई भी पैसा दान लगे। हमने कि भैया पैसा ऐसा ना दो आप और जा तो हमने अपन ने लाने बनाई थी खावे तो हम आप भी खबवा रहे अपने संग है। फिर ऐसे ही बैठे बैठे बेचार बनो हमारे संग वालन ने कही भैया जब तुम्हारी जय ऐसी चल रही है तो तुम काय भटूरे तो तुम चलो एक चलता ही है तो और एक नव काम चालू करो, अपने भी दिमाग में आते कौन नव काम चालू करने। सो फिर अपन ने जा दाल बाटी बनाई संडे है चार प्लेट, चार प्लेट से बनत 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 आज जो अपनी 100 प्लेट 120 प्लेट बन जाता संडे हैं और ग्राहक बढ़िया खुश रात खा पी के और जौन भी अपनो जन्मदिन करने पार्टी करने कछू खेतन पे पिकनिक करने कछू करने ई के लाने आदमी एक नौ आइटम में लगाओ नहीं तो आदमी वही रोटी सब्जी दाल चावल में बिदो रात। तो अब जो है कि वे नौ आइटम में लगाओ और अपन भटूरे तो बनाते ही हैं संगे संगे अब जो दाल बाटी को भी अपने ऑर्डर पे अपन जाके बना के ले जाते। अच्छा ऑर्डर पे भाई साहब अपन सब व्यवस्था करके ले जाते, आपने तो ऑर्डर दो सो आप कछु हैरानी नहीं है, आपने तो फ़ोन करो के 100 आदमी की व्यवस्था होने। सो होते पे अपन को टेबल से लेके प्लेट पानी डिस्पोजल सब व्यवस्थाएँ अपनी रहती हैं, होते पे अपन पूरे लेके जाते हैं बनो बनाओ मटेरियल होते गरम गरम बाटी या भटूरे को ऑर्डर हो सो भटूरे गरम गरम डोसा गरम गरम जो भी आपको करवाने खाना पीना सब हो जाता। बहुत अच्छी बात है। तो भैया जा है देखो विक्की भैया ने बताई है कि और एक अच्छी बात ने जो बता दी थी पहले ही कि पूरा हम मिनरल वाटर में जो हम अच्छा वाला पानी है वही में सब बनात का बात है और बिल्कुल साफ सफाई से सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के जो नियम नियम बनाए गए उन सबको पालन करके जे जा चीज़ खबा रहे और सुरक्षित तरीके से पैकिंग की व्यवस्था है जैसे कोई को चाहें तो पैक करा के ले जा सकत बिल्कुल साफ तरीके से पैकिंग करके जो देते हैं। तो भैया ये बार खास स्पेशल में जय कार का मतलब अपने पास। सो भैया देखो जो इनको कह वो है विक्की भैया को उनने बताओ कि कैसे शुरुआत भाई उनने खुद ना सोची थी कि भैया ऐसा है। अब बुंदेलखंड को आदमी भैया बहुत पेटू है खावे पीने में भैया इतने खोमचा हैं तो इतनी ठिलियाँ हैं समोसा मसा की सब जगह खावे में बड़ा मजा आऊ। अभी हमें अन्य सोनी मिल गए तो एक जन है चंदी चाचा के उनने वे खाओ खाते हम तो अरे त्योहार क्या होते थे वे त्रिवेदी जी उनकी भाभी मिल गई थी बिटिया मिल गई थी बोले हम तो होते अपने पति संगे पहली बार आए थे वो अब संगे अब हम आए बिटिया के ले गए मतलब एक बार आदमी पहुँचा था खाते। अच्छी बात यह है कि इनने रतन पैलेस के नाम से एक शादी घर और विवाह घर ही बना लो कि को गए शादी ब्याह में खवाने बच्चा के जन्मदिन में छोले भटूरे दाल बाटी खवाने तो जे अपना रतन पैलेस खोल दे और पूरी कैटरिंग इनके पास है। अच्छी बात यह है कि पूरा इनके पास वो है टेंट हाउस का सामान और कोह के अपने फार्म हाउस पे खेत पे घर है मकान पे प्लाट पे जहाँ पार्टी करने दाल बाटी खवाने छोले भटूरे स्वयं से कह दो डिस्पोजल से लेके और पानी से लेके पूरा टेंट और इनको खाना सब बिल्कुल पूरे ऑर्डर पे सीधे रुपया तुम गिनो और पूरी व्यवस्था लो इसे अच्छो खाचा ने हो रही पर हमने अपने चारों की जन्मदिन दाल बाटी आदमी ने खवाई उद्घाटन जब कर स्टूडियो को आदमी खा के खुश हो अरे बोली इतनी सुंदर सौंधी सौंधी दाल बाटी दाल बाटी को जाए को कछु अलग है। तो भैया हम तो इसे ले रहे हैं विदा और बुंदेली चुगली की जब खा पेटू यात्रा खान पान की जब चलत रहे काय भूखे थोड़ी मर भी यार
भूखा नहीं बन अपन के जाने सो अब अगले बार जहाँ मिले सो पहुँच जाए भी हम संजू गोचा गया अभी अब एक बार और जैन साहब की दाल बाटी खावे जाने इतवार के सो तुम्हारे ही पहले से बुकिंग करा लो इतवार के कम वॉल टूसी तो नहीं खाने जैन साहब की दाल बाटी खाने बहुत मजा आई को जयराम जी की भैया।